बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू की जॉब्स 2024 के रिलेटेड है। जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू में सिविलियन की जॉब्स 2024 जो हम अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशन्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की हैं। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू की जॉब्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 सितंबर 2024 है। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स जो बेसिकली बेसिक पे स्केल 1 से लेकर बेसिक पे स्केल 15 तक अनाउंस कर दी गई हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने amdte-recd.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट जो है वो ओपन करने के बाद वेबसाइट को अपने स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है फी डिपॉजिट गाइडलाइंस, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले फीस जो अपनी वो पे करनी है। फीस पे करने के लिए इधर आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन है। आपने बैंक अल हबीब में जाके डिपॉजिट स्लिप लेके उसे फिलअप करेंगे। फिलअप करने का तमाम क्राइटेरिया जो है वो आपके सामने गिवन है। बेसिक पे स्केल 6 से लेकर 10 तक अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है वो 200 रुपीज़ है, जबकि बेसिक पे स्केल 11 से 15 तक अप्लाई करने की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 300 रुपीज़ है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो वो पे करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शुरू है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्टार्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने सीएनआईसी नंबर जो अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन है तो अपने येस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और नीचे ह्यूमन वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने पोस्ट जो है वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है। इसके बाद डिपॉजिट स्लिप का नंबर जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद फी पेड की अमाउंट जो है आपने वो इंटर करनी है। इसके बाद डिपॉजिट डेट आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद बैंक ब्रांच का लोकेशन जो है आपने वो टाइप करनी है। इसके बाद ब्रांच कोड जो है आपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने सबसे पहले पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड में पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का नेम टाइप करेंगे। इसके बाद मेलिंग एड्रेस, करंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस टाइप करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने अल्टरनेट मोबाइल फोन नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, कौन से सिटी में आप एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, आपने ये सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एजुकेशनल डिटेल जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। डिग्री जो है अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट का नेम जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, मैट्रिक साइंस में किया या आर्ट्स में किया, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद डिवीजन अपने इंटर करनी है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। इन केस आपकी हायर एजुकेशन है तो अपने हायर एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। इन केस आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है तो अपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने ऑप्शन शो है सबमिट का। सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।